नवरात्रा को लेकर देवघर में धूम मची हुई है, चारों ओर लोग उत्साहित हैं। और चूंकि आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी पर हम बिलासी आए हुए हैं, तो अपर बिलासी में हम आपको दिखाएंगे बिलासी पूजा समिति के द्वारा यहाँ भव्य पंडाल यहाँ पे बनाया गया है, जो स्वर्ण नुमा है और यह साउथ के मंदिर के तट पर बनाया गया है, जो काफी खूबसूरत और आकर्षक है। और चूंकि आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी पर काफी संख्या में श्रद्धालु ये पंडाल दर्शन के लिए पहुंचे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। और अंदर हम आपको तस्वीरें के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह का खूबसूरत पंडाल ये बनाया गया, आप देख सकते हैं। और काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और काफी उत्साहित हैं, क्योंकि नवरात्रा है और महाअष्टमी है। तो यहाँ पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत और आकर्षक पंडाल बनाया गया। यहाँ पे जो पंडाल के समिति के जो लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानते हैं। ये बताइए कि जो बिलासी पूजा समिति के द्वारा किस तरह का ये बनाई गई, ये दक्षिण भारत के स्वर्ण मंदिर का नकल करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और ये अपने तरह का देवघर में प्रथम पूजा है, जहाँ पर 6 फीट ऊपर चढ़ा करके हम लोग पब्लिक को माँ का दर्शन करवा रहे हैं। तो कितना दिन लगा बनाने में? इसको बनने में पक्का 40 दिन लगा। और ये सारा जितना भी देख रहे हैं आप, जो डिजाइन है ये कोलकाता से बन के आया गया, यहाँ पर इसको असेंबल किया गया है। यहाँ अन्य लोग हैं बिलासी पूजा समिति से, आप लोग कितने उत्साहित है नवरात्रा को लेकर? नवरात्रा को लेकर उत्साहित है ये बचपन से ही, क्योंकि ये पूजा 1972 से होती आ रही है, ये 53 साल है मेरी। कोरोना की वजह से हम लोग 50वां साल नहीं मना पाए थे, इसलिए इस साल हम लोग गोल्डन जुबली के तौर पर इसको मना रहे हैं। आप लोग समिति के लोग कितने तैयारी में लगे रहते हैं जब नवरात्रा आता है? और आज चूंकि आज महाअष्टमी है, तो किस तरह की भीड़ है यहाँ? महाअष्टमी में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और प्रशासन के भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने ट्रैफिक को उधर ही बड़ी गाड़ी को रोक रखा है। बाकी यहाँ पे जो है पूजा की तैयारी तो करीबन 1.5 महीने से पहले ही से शुरू हो जाती है, और सब तन मन धन से सब कोई लगे हुए रहते हैं, पूरा मालनावासी। अब पहला यहाँ का पूजा होता है, जो कि लेडीज जेंट्स सब कोई लगा हुआ रहता है। इस बार जो प्रतिमा जो बिठाया गया, किस तरह का प्रतिमा है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? इस बार का पूरा जो है गोल्डन पे ही बना हुआ है, टेंपल के ही मैचिंग से बना हुआ है प्रतिमा, वो मुख्य आकर्षण है। 60 मेंबर हम लोग यहाँ पे जो है इस समिति से हैं, और सब अपने तन मन धन से पूरे 1 महीने से लगे हुए हैं। और ये बहुत छोटी पूजा जो है आज इतना बृहद रूप से हम लोग आयोजित कर रहे हैं, तो इसमें सब कार्यकर्ता के जितने भी हम लोग इसमें सदस्य हैं, सारे तन मन धन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज महाअष्टमी है, तो महाअष्टमी में भीड़ भी रहती है, तो ऐसे में किस तरह से आप लोग का वॉलंटियर कार्य कर रहा है? सब वॉलंटियर लगे हुए हैं, कोई अपना यातायात व्यवस्था देख रहा है, कोई पंडाल की सुरक्षा में लगा हुआ है, और भी सब अपना अपना ड्यूटी कर रहा है। चलिए मंदिरों का तस्वीर दिखाएंगे, अंदर माता रानी का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं इस तरह का माँ दुर्गा का प्रतिमा है, काफी भव्य और आकर्षक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जितनी भी तारीख पहले कम है, यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी पर काफी संख्या में लोग घरों से निकलते हैं और विभिन्न पंडाल होते हुए जाते हैं और सभी का दर्शन करते हैं। तो अभी हम अपर बिलासी में आए हुए थे, यहाँ कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि कैसा लगा, ये बताइए कैसा लगा ये पंडाल? अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूम के आए आप लोग? अभी तो मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरी नानी यहाँ पे रहती है, मैं वहीं से मिल रहा है। तो जो पंडाल बनाया गया वो अच्छा लगा आपको? हाँ। क्या क्या देखने को मिला पंडाल? काफी यूनिक डिजाइन है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और ये मंदिर काफी ज्यादा सुंदर बना है, कलश बहुत ज्यादा ही सुंदर बना है। किस तरह का लग रहा है देखने को? काफी ज्यादा सुंदर है, सोने की प्रतिमा जैसी लग रही है, पंडाल का जो भी सुंदरता है बहुत ज्यादा सुंदर है। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यह पंडाल उनको काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये काफी खूबसूरत और अच्छा बनाया गया है। यहाँ अन्य लोगों से भी बात करेंगे, आप बताइए कि ये जो पंडाल है अपर बिलासी का वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, इस बार बहुत यूनिक है, हर साल से तो बहुत ज्यादा अच्छा है इस बार का। अभी मंदिर का बनाया है लोकेशन और व्यू तो बहुत और ज्यादा अच्छा लग रहा है। और माता रानी का जो प्रतिमा है वो कैसा? वो तो बहुत सुंदर है, सबसे मतलब मुझे तो यहाँ का सबसे बेस्ट लगा। एक महिला श्रद्धालु इनसे भी जानते हैं,
जी अपर बिलासी घूमने के लिए आई है, महाअष्टमी है, तो कैसा लगा ये पंडाल? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, तो बहुत देखने में खूब मजा आता है, हर साल से ज्यादा अच्छा इस बार लग रहा है। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित है। महाअष्टमी को पूजा क्या, महाअष्टमी है आज, इसको क्या भीड़ है? बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, दिल्ली में तो ऐसा होता भी नहीं जैसे यहाँ पे होता है बिहार और झारखंड में। आप पंडाल पूरा देख सकते हैं, काफी जो कारीगर के द्वारा जो बनाया गया है काफी खूबसूरत और आकर्षक है, हर पंडाल में हर कोने में आपको नजर आ जाएगा, इसकी कारीगरी की तारीफ किया जाए तो कम है। तो निश्चित तौर पर अपर बिलासी में बिलासी पूजा समिति के द्वारा जो पंडाल बनाया गया है काफी भव्य है और आकर्षक है, जो साउथ इंडिया के स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। महाअष्टमी पर जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें यह पंडाल काफी भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन के साथ